नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। संसद की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष और पक्ष दोनों ही सदन में हंगामा करते नजर आए। हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही बार बार के व्यवधान के बाद मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। भाजपा लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में दिए गए उनके बयान के लिए माफी की मांग पर अड़ी है। इधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा कर रही है। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही पिछले कई दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। लोकसभा और गतिरोध सुलझाने के लिए स्पीकर ने पहले की ओर अलग अलग दलों के नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया। स्पीकर का प्रयास है कि सदन चले, सदन में बजट और फाइनेंस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। नेताओं से बैठकों में स्पीकर सभी दलों के सदन चलाने की आग्रह कर रहे हैं। इससे पहले सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी को लेकर संसद में गतिरोध की पृष्ठभूमि में पूर्व उपराष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है।